क्लास 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट का। इसके फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि an इक्वल टू दे रखा है 3 + 4n, यानी nth टर्म है उसकी वैल्यू दे रखी है। an यानी nth टर्म, मैंने बताया था an यानी क्या होता है, nth टर्म दे रखा है 3 + 4n, और बोला कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म। हमें इसके शुरू के 25 टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है जिसका nth टर्म क्या है, गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास ना तो ap है, तो हमें पहले ap बनाना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, n तो दे ही रखा है, 25 टर्म का सम निकालना है। तो सबसे पहले ap, जब भी nth टर्म दे रखा है और अगर ap निकालना है तो सबसे पहले n की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी एक एक। n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होती है, तो सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो a1 हो जाएगा इक्वल टू 3 + n की वैल्यू 4, और ये n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 3 + 4 = 4, तो 1 n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7, यानी फर्स्ट टर्म आ गया 7। फिर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a2 निकलेगा, 3 + 4, और n की जगह 2 रख देंगे तो 3 + 4 = 8, तो 8 और 3 आ जाएगा 11, ये आ गया सेकेंड टर्म। फिर n की वैल्यू 3 रख देंगे, फिर निकलेगा a3, तो 3 + 4, और n की जगह क्या रख देंगे, 3, तो 3 + 4 = 3 क्या हो जाएगा, 12, और 12 और 3 क्या हो जाएगा, 15। तो हमारे पास 3 टर्म आ गए, पहला टर्म है 7 और उसके बाद 11 और उसके बाद क्या आ गया, 15, और ये बन गया हमारा AP बन गया। देखो कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो इसका भी 4 आ रहा है, इसका भी क्या आ रहा है, 15 में से 11 गया तो भी 4 आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म A हमारा हो गया 7, इनका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 - a1, तो हो जाएगा 11 - 7, तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4, और n हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 25 टर्म का हमें सम निकालना है, और s 25, यानी हमें निकालना क्या है, s 25, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो a है हमारे पास, d आ गया, अब तो सिंपल हो गया, सम ऑफ 25 टर्म निकालना, तो sn का फॉर्मूला लगा दिया, sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस क्या हो जाएगा, n-1 d, ये हमारा फॉर्मूला है। तो s 25 निकालना है हमें, 25 टर्म का टर्म कितना हो जाएगा, 25/2, और 2 × a कितना है हमारे, 7 + n-1, यानी 25 - 1, एंड d कितना है हमारे पास, 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगी, 25/2 कैंसिल नहीं होगा तो ये ऐसे ही रहेगा, 7 × 2 जाए क्या हो जाए, 14, प्लस 25 - 1 तो कितना है, 24 × क्या हो जाए, 4, 25/2 14, प्लस इन दोनों को इंटू करेंगे, 4 × 4 = 16, 1 × 4 = 8 9 = 96, फिर सॉल्व करेंगे, 25/2 × 96 = 100, तो ये हो जाएगा 110, और 2 से 110 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 55, और लास्ट में 25 को किससे इंटू करना है, 55 से, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा फोर्थ वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, है ना। 55 को आप 25 से क्या कर देना, इंटू कर देना, 5 × 5 = 25 × 2 = 75 × 10 = 111, तो ये 5 7 3 1, तो आ जाएगा 13, आपको मल्टीप्लाई आता ही है, 1375, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन से पार्ट का, फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर ही हो जाएगा। आप सेकंड पार्ट का आंसर आप खुद ही कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके, और वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो, नहीं तो आप इसमें बुक में नेक्स्ट स्लाइड में हमारा सॉल्यूशन देख लेना सेकंड का। तो सेकंड में an की वैल्यू क्या दे रखी है, 7 - 3n, तो सबसे पहले हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, n = 1, तो जब हम n = 1 करेंगे तो a1 निकलेगा, 7 - 3, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो 7 - 3 कितना आ जाएगा, 4, फिर हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2, तो हमारा a2 निकलेगा, तो 7 - 3, और यहाँ आ जाएगा 2, तो 7 - 3 = 6, तो
वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, फिर हम n की वैल्यू क्या निकालेंगे 3 में, तो हम a3 निकालेंगे, तो a3 में हमारे कितना आ जाएगा 7 माइनस 3, n की वैल्यू 3 रख देंगे तो 3 जो 9 हो जाएगा, 7 माइनस 9 तो क्या आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि 9 बड़ा है माइनस का, ap बन गया देखो 4 1 और क्या बन गया माइनस 2, और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये ap है जिसमें a क्या हो जाएगा 4 और d की वैल्यू क्या होगी a2 माइनस a1 यानी 1 माइनस 4 और 1 माइनस 4 यानी माइनस 3, तो d की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3। एन वही है, हमें कितने टर्म निकालने, 25 टर्म निकालने, और हमें यानी क्या निकालना है s 25 निकालना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो वही फार्मूला sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, सेम प्रोसेस n बाई 2 यानी 25 बाई 2 और 2a यानी 2 इंटू a की वैल्यू क्या आई 4 प्लस n माइनस 1 यानी 25 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है माइनस का 3, ठीक है, वापस वही 25 बाई 2, 4 टू जा 8 प्लस 25 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 24 इंटू, पर यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 3, फिर 25 बाई 2 फिर आ जाएगा 8, अब प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, अब 24 को 3 से इंटू करेंगे तो 4 3 जा 12, 1 3 टू जा 6 और 72 आ जाएगा, फिर 25 बाई 2 इंटू 72 में से 8 को हमें माइनस करना है, तो 12 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा 4 और 64 आ जाएगा, और दो बड़ा माइनस का इसलिए क्या लग जाएगा माइनस का लग जाएगा, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना जाएगा 32, तो 25 को हमें इंटू करना है किससे माइनस के 32 से, तो 25 को आप 32 से इंटू कर दो, या 32 को किससे इंटू कर दो 25 से, तो एक ही बात है 5 टू जा 10 15 और 16 इंटू 2 टू जा 4 3 टू जा 6 0 800 आ गया, और लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 32 इसलिए माइनस का 800, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने कौन से क्वेश्चन को कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड में हम हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में आएंगे, फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ 51 टर्म ऑफ एन एपी, हमें क्या फाइंड करना है 51 टर्म का हमें सम फाइंड करना है, यानी एस 51 हमें क्या करना है फाइंड करना है, इन विच सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18, इसमें सेकेंड टर्म यानी ए टू दे रखा है 14 और थर्ड टर्म ए थ्री कितना दे रखा है 18, ये दोनों टर्म हमें दे रखे हैं, और अब हमें क्या फाइंड करना है एस 51 हमें क्या करना है फाइंड करके बताना, तो पहले ए डी चाहिए हमें, एन तो है हमारे पास 51, तो ए टू को हम क्या लिखते हैं ए प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, ए थ्री को क्या लिखते हैं ए प्लस 2d इक्वल टू क्या हो जाए 18, अब ये बन गई ना दो इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन टू, हमने 5.2 एक्सरसाइज में इनको सॉल्व किया था, माइनस कर दो दोनों इक्वेशन को, ये माइनस का हो जाए ये माइनस का ये भी माइनस का, तो ये a और a तो कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होगा तो 2d में से d गया तो क्या जाएगा d, लेकिन 2 बड़ा है इसलिए आगे क्या लग जाएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 18 में से 14 गया तो कितना 4, लेकिन 18 बड़ा है इसलिए क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4, अब d की वैल्यू जब 4 आ गई तो अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप d की वैल्यू रख लो, तो a प्लस डी इक्वल टू क्या था 14 फर्स्ट इक्वेशन, इसमें हमने d की वैल्यू क्या रख दी 4, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 14 माइनस 4, तो 14 में से 4 गया तो 10, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 10, ये यहाँ इसके आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, a की वैल्यू आ गई है 10 और d की वैल्यू आ गई है 4, और n हमें यानी 51 टर्म का सम निकालना, तो n 51 हो गया, यानी अब हमें निकालना है s 51 निकालना, तो इजी sn का फॉर्मूला लगा दिया, n by 2 पता ही है आपको 2a प्लस क्या हो जाएगा n माइनस 1 d, सारी वैल्यू हमारे पास है, n यानी 51 by 2 यानी s 51 हमें निकालना है, तो 51 by 2 और 2 इंटू a की वैल्यू 10 प्लस n माइनस 1 यानी 51 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो 51 बाई 2 10 टू जा 20 प्लस 51 माइनस 1 50 50 इंटू 4 51 बाई 2 20 प्लस
5 4 20 और 1 0 तो कितना हो जाए 251/2 इंटू 220, और 220 को इंटू करेंगे तो 110, तो 51 को हमें किससे इंटू करना है, 110 से, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 51 को 11 से इंटू कर दो आप, फिर 10 लगा देना, 51 को 11 से करेंगे तो 15 × 15 तो 165 कितना आ जाएगा, 561 और फिर क्या लग जाएगा 0, तो 5610 ये फिफ्थ वाले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सिक्स क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी, यानी एपी का फर्स्ट टर्म भी दे रखा है और लास्ट टर्म भी आपको दे रखा है, यानी फर्स्ट टर्म ए दे रखा है 17 और लास्ट टर्म, यानी हम मान ले लास्ट टर्म क्या मान ले, ए एन मान ले, हमें पता नहीं है लास्ट टर्म कौन सा है, तो ए एन दे रखा है 350। इफ़ कॉमन डिफरेंस इज 9 और फिर डी भी दे रखा है हमें, क्या दे रखा है 9, और हमें पूछा है कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एपी, तो एपी के अंदर कितने टर्म्स है, यानी हाउ मैनी टर्म्स आर इन एपी, पहले तो एपी में कितने टर्म है, यानी एन निकालना है हमें, एन निकालना है, फिर व्हाट इज देयर टर्म, और जितने टर्म है तो उनका क्या निकालना है, सम भी निकालना। तो बहुत ईजी है, कितने टर्म है ये तो हमने पहले भी निकाला था, ए एन फर्स्ट 5.2 एक्सरसाइज में ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमें दे रखा है लास्ट टर्म में 350 और ए हमें दे रखा है 17 प्लस एन माइनस 1 और डी हमें दे रखा है, तो इससे हम एन की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें पता लग जाएगा इतने टर्म है, तो 350 इक्वल टू 17 प्लस 9 को एन से इंटू करेंगे 9n और 9 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 9, 350 इक्वल टू 17 में से 9 जाएगा तो 17 में से आप 9 को माइनस करोगे तो 17 में से आप 9 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो आप अगर 17 में से 9 को करोगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 प्लस क्या हो जाएगा 9n, अब 9n को उधर भेज देना तो माइनस का 9n और 8 फिर माइनस का 350 इधर आ जाएगा, फिर माइनस का 9n इक्वल टू 8 में से 350 जाएगा तो माइनस का 342 हो जाएगा, फिर n की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 342 अपॉन माइनस का 9, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 9 की टेबल से काटेंगे तो 9 3 27 और उसके 28 29 30 31 32 33 34, यानी 7 कैरिंग चला गया 72, तो 72 कितनी बार में आता है 9 की टेबल में, तो 8 बार में, तो यानी n की वैल्यू आ गई 38। अब हमें n की वैल्यू 38 आई गई, तो अब अगला स्टेप हमारा क्या है, देखो a की वैल्यू है ही 17, d की वैल्यू है ही 9, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 38, तो अब हमें निकालना क्या है, सिंपल सम ऑफ टर्म, यानी s 38 निकालना है हमें, तो वही फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस क्या हो जाएगा n माइनस 1 डी, तो n बाई टू एन यानी 38 बाई 2, तो 2 इंटू ए कितना है 17 प्लस n कितना है 38 माइनस 1 इंटू डी कितना है 9, तो 38 से तो 2 कटेगा ही कितनी बार में 1 और 18 यानी 9 बार में 19 बार में, और 17 टू जाए क्या होता है 34 प्लस 38 में से 1 गया तो 37 इंटू क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 19, 34 प्लस इंटू करेंगे 97 जा 63, 36 कैरिंग 93 जा 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा 33, तो 333 आ जाएगा इनका प्लस, फिर 19 इंटू इनको प्लस कर देंगे 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 3 367, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना और मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा 6973 और ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह हमने सिक्स वाले क्वेश्चन को भी क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, तो 7 नंबर में हम 7 क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नंबर डिविजिबल बाई 3, यानी सारे ओड नंबर और वो भी डिविजिबल बाई होने चाहिए 3 से, किसके बीच में 1 से लेकर 1000 के बीच में, इनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है यानी प्लस निकालना है। तो सारे ऑड नंबर कौन से होते हैं पहले आपको पता होना चाहिए, तो ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड
नहीं होते, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। तो अब 1 से देखो शुरू हो रहा है, तो 1 तो ऑड नंबर है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होता, 2 ऑड नंबर है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होता, 3 ऑड नंबर है, हाँ तो 3 पहला ऑड नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है। उसके बाद 4 इवन है, 5 ऑड नंबर है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होता, फिर 6 3 से डिवाइड होता है लेकिन इवन नंबर है 6 क्योंकि वो 2 से डिवाइड होता है, 7 है, फिर उसके बाद 8 है लेकिन उसके बाद क्या है 9, 9 अगला ऑड नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है, फिर देखो आप 3 से डिवाइड होने वाला 9 के बाद क्या होता है 12, लेकिन 12 इवन नंबर है, फिर आएगा 15, फिर 18 नहीं आएगा क्योंकि 18 इवन नंबर है, फिर आएगा 21 और ये ऐसे ही चलता रहेगा, और लास्ट कौन सा आएगा देखो 1000 से एक कम 9999 ऑड नंबर है और ये किससे डिवाइड होता है 3 से डिवाइड होता है लेकिन 2 से नहीं होता, इसका मतलब ये ऑड नंबर है। तो ये बन गई हमारी एपी, तो एपी बन गया, तो ए आपको पता लग गया कितना है 3, ठीक है, और डी आपको कैसे निकालना है A2 - A1, तो आप बोल दोगे सर आ गया 9 - 3, तो 9 - 3 कितना हो गया 6, तो डी भी आ गया आपके पास। अब आपके पास क्या है और एन नहीं है, आपके पास एन नहीं है तो आप फाइंड द सम कैसे निकालोगे, कितने टर्म का निकालना, लेकिन ए एन है हमारे पास, ए एन कितना है 999, यानी लास्ट टर्म हमारे पास 9 है, तो हम इस ए एन की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं एन निकाल सकते हैं, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी हो गया, ए एन है हमारे पास 999 और ए है हमारे पास क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी है हमारे पास कितना है 6 है। अब आप देख रहे होंगे सर 6 क्यों नहीं लिखा, वो भी तो 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 6 इवन नंबर है, ये भी ध्यान रखना। आप बोलोगे 12 क्यों नहीं लिखा, वो भी तो 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 12 क्या है इवन नंबर है, हमें बस कौन से नंबर चाहिए ऑड नंबर ही चाहिए, 999 इक्वल टू 3 प्लस 6 को एन से करेंगे 6 एन 6 को माइनस का 6, तो फिर 999 इक्वल टू 3 और 6 कितना हो जाएगा माइनस का 3 क्योंकि माइनस का 6 है प्लस का 6 एन, 6 एन को उधर भेजेंगे तो माइनस का 6 एन माइनस 3 ये इधर आएगा तो माइनस का 999, तो माइनस का 6 एन इक्वल टू माइनस का 1002 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1002 अपॉन माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब ये कैंसिल होगा, तो 6 1 6 4 कैरेंगे 40, तो 6 6 30 6 4 कैरेंगे 42, तो 6 7 42, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 3, डी की वैल्यू है 6 और एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 167, तो हमें सम किसका निकालना है 167 टर्म का, हमें क्या निकालना है सम निकालना है, तो अब सम निकालने के लिए हम कौन सा वाला फार्मूला लगा देंगे सम वाला फार्मूला, तो सम वाला फार्मूला क्या है आपको सबको पता है एस एन इक्वल टू क्या है एन बाई टू 2a प्लस क्या हो जाएगा एन माइनस 1 डी, तो n कितना है 167 टर्म हो गया टोटल बाई 2 इंटू 2 इंटू ए यानी 3 प्लस n माइनस 1 यानी 167 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 6, तो ये कैंसिल नहीं होगा 167 अपॉन 2 इंटू 2 3 जगह हो जाएगा 6 प्लस यहाँ हो जाएगा 166 इंटू 6 फिर 167 बाई 2 6 प्लस 6 6 36 3 कैरिंग 6 6 36 39 फिर 3 कैरिंग 9 तो 996 तो 167 बाई 2 इंटू इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1002 और 2 से कैंसिल कर देंगे तो 501 और 167 को आपको किससे इंटू करना है 501 से, और जब आप इनको इंटू करोगे तो आपका आंसर आएगा 83667, ये आप करके देख लेना आपका ये आंसर आएगा, और इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया। 5.3 एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन और रह रहे 8 9 और 10 जो हम अगले वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।